अमी वेद का जन्म 10 जनवरी 1982 भारतीय मूल के एक अमेरिकी अभिनेता जो बॉलीवुड फिल्मों में काम करते हैं। उन्हें 2009 की बड़ी ड्रामा फिल्म थ्री इडियट में चतुर रामलिंगम का साइलेंसर के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसके अलावा वेद ने ऑफिस और अस्टेंट डेवलपमेंट में भूमिका निभाई है। ओमी ने कई लघु फिल्मों का निर्देशन किया है और एक फीचर फिल्म संपादक के रूप में काम किया है। वह कई विज्ञापन में भी नजर आए हैं और एक निर्माता के रूप में भी काम करते हैं। का पालन पोषण कैलिफोर्निया के युका वैली में जोशुआ टी में हुआ। उन्होंने कला के लिए लॉस एंजल काउंटी हाई स्कूल स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में 2 साल के लिए कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय सांता क्रूज में भाग लिया। इसके बाद उनका स्थानांतर न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ आर्ट में हो गया और उन्होंने सम्मान के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। वेद ने एक सस्ता कार में उनकी पृष्ठभूमि पर टिप्पणी की, मैं लॉस एंजेलिस यूएस में रहता हूँ, मैं वही बड़ा हुआ, लेकिन हर साल हम भारत आते थे। भारत में मेरा स्थान गोवा है और मैं अपने बड़े होने के दिनों के अक्सर मुंबई जाता था। मैं 6 साल की उम्र में अमेरिका में मराठी मंडल नाटकों और कुछ अंग्रेजी नाटकों में अभ्यास करना शुरू कर दिया था। मैंने हाई स्कूल में अभ्यास के बारे में अधिक सीखा और तभी मैं करियर के रूप में फिल्मों के बारे में वास्तव में गंभीर हो गया। मैं NWO फिल्म स्कूल गया और फिल्म निर्माण संपादन अभियान आदि की बरकियाँ सीखी। मैंने सेट पर इस्तेमाल किए जाने वाली तकनीकी भाषा सीखी। NWO से ऑनर्स में स्नातक होने के बाद मैं लॉस एंजेलिस वापस चला गया और टीवी धारक और फिल्मों में भूमिका के लिए ऑडिशन देना शुरू कर दिया। वेद का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन 2009 की बॉलीवुड फिल्म थ्री इडियट में चतुर रामलिंगम की सहायक भूमिका में है। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें मजबूत समीक्षा मिली। मुंबई की यात्रा के दौरान वेद ने चतुर की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया। पहला ऑडिशन पास करने के बाद दूसरा ऑडिशन के दौरान उनसे लगे रहो मुन्ना भाई का डायलॉग पढ़ने के लिए कहा गया। वेद कहते हैं कि उन्होंने शब्दों को ठीक से समझे बिना ही इसे रट दिया। लगभग थ्री इडियट के भाषण दस्य की तरह चतुर की भूमिका के लिए साइन किए जाने के बाद उन्हें हिंदी ना पढ़ने, हिंदी फिल्में ना देखने और वजन बढ़ाने के लिए कहा गया था।